हाय, वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर जल्दी ही लॉन्च होने वाले एक अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में। जब हम बात करते हैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, तो अपने आप को इस लोकेशन ने एक बहुत ही प्रीमियम लोकेशन के रूप में एस्टेब्लिश किया है। जिस तरह से गोल्फ कोर्स रोड पर आपको एक से एक प्रीमियम प्रॉपर्टीज मिलती है, उसी तरह से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी आपको बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टीज मिलती है। चाहे हम बात करें पाइनियर अराया, पाइनियर प्रेसिडिया, लुमिनियर की बात करें, कॉन्शेंट हाइंस की बात करें, गोल्फ एस्टेट की बात करें, ट्रम्प टावर्स की बात करें, या आपका डीएलएफ द आर्बर हो गया, तो एक से एक अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे मिलती है, जिसमें से के कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, जहाँ पे लोग रहना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंस्ट्रक्शन पे आपकी चल रही है। तो इसी लोकेशन पे आपको सेक्टर 63A के अंदर एक 9 एकड़ के पैच पर टार्क ग्रुप एक अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, जिसमें से कि अभी इनिशियली दे आर गोइंग टू लॉन्च 5 टावर्स इन 7 एकर्स। जब हम 5 टावर्स की बात करते हैं 7 एकड़ के अंदर, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार 7 एकड़ में 5 टावर, तो फिर किस तरह से अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी ये हुई। तो इसमें थोड़ा सा इन्होंने यूनिक डिज़ाइन रखा है। इन्होंने क्या किया है कि रेदर देन यू नो ऑफरिंग 4 अपार्टमेंट्स ऑन अ सिंगल फ्लोर, इन्होंने इसमें एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स ही ऑफर किए हैं। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो है आपको 4 साइड व्यू देने का। इसमें आपको कॉलमलेस बालकनीज मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश है, और 4 साइड आपको व्यू मिलता है, तो इन इंटरप्टेड, तो आपको कहीं ना कहीं आसपास का जितना भी व्यू है वो अन इंटरप्टेड व्यू आपको मिलता है। इसमें इन्होंने 2 विंग्स बनाई है, जिसकी वजह से आपको 4 साइड व्यू मिलता है। इसमें आपको 6 लिफ्ट्स मिलती है, जिसमें से के 4 लिफ्ट्स आपकी पैसेंजर लिफ्ट्स होगी। 2 विंग है, तो 2 लिफ्ट्स आपकी हर विंग में रहेगी, तो पर्सनल आपकी वो लिफ्ट्स हो जाती है, जिस कार्ड के थ्रू ही आप उन लिफ्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे, और जो भी आपके डिलीवरी गाइज होंगे या फिर आपके डोमेस्टिक हेल्प होगी, वो आपके सर्विस लिफ्ट के थ्रू आपके अपार्टमेंट में आ पाएंगे। इसके साथ साथ ही इसमें आपको 1,15,000 स्क्वायर फिट की एमिनिटीज आपको क्लब हाउस के साथ मिलती है। अगर मैं एग्जैक्टली क्लब हाउस का साइज़ की बात करूं, तो 45 से 50,000 स्क्वायर फिट का आपको मल्टी लेवल क्लब हाउस मिलता है, विच विल बी लोडेड विद ऑल द वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़। आपका इसमें अगर कॉन्सेप्ट देखें, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लीनियंसी है, जो उनकी डिवोशन है, वो भगवान शिव के प्रति ज़्यादा है, तो वो आपको कहीं ना कहीं इनके हर एक प्रोजेक्ट में, चाहे वो नाम हो चाहे इनका जो थीम हो, उसमें आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली में भी अगर आप टार के प्रोजेक्ट देखोगे, त्रिपुंद्रा है, कैलाशा है, तो उनका जो नाम आप देखोगे तो वो भगवान शिव से ही लिया गया है। द सेम वे जो सेक्टर 63A के अंदर है प्रोजेक्ट, उसका नाम भी शायद ईश्वा होने वाला है, अभी तक कंफर्म नहीं है, शायद ईश्वा होने वाला है, तो विच इज़ अगेन यू नो सिग्निफाई द लॉर्ड शिवा। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव से इनकी लीनियंसी है। तो जो क्लब हाउस है उसकी शेप भी इनकी शंखनुमा रहेगी, आपका जो प्रोजेक्ट है वो वास्तु कंप्लायंट होगा, आपके अपार्टमेंट्स हैं वो आपके वास्तु कंप्लायंट होंगे, धूप का पूरा वो रखा गया कि आपकी जो फेसिंग है वो वैसी रहे कि आपको धूप अच्छी मिले अपने अपार्टमेंट्स के अंदर। अंदर आपको प्रॉपर ग्रीनरी मिलेगी, इसके अंदर आपके ट्रीज लगाए जाएंगे, थीम बेस्ड आपके इसमें ट्रीज लगाए जाएंगे, आपको 0 व्हीकल मूवमेंट मिलती है। एंट्री की मैं बात करूं, तो आपको 2 तरफ से एंट्री मिलेगी, एक आपको एंट्री मिलेगी सेक्टर 84 जो आपका सेक्टर रोड है, वहां से इसकी एक एंट्री रहेगी, दूसरी एंट्री आपकी रहेगी 24 मीटर वाइड रोड से। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, तो आपको इसमें 2 साइजेस मिलते हैं, एक आपको मिलता है 3 BHK जो कि आपका होगा 3,000 स्क्वायर फिट का, दूसरा आपको मिलता है 4 BHK जो होगा आपका 4,000 स्क्वायर फिट का। तो इसमें स्पेशियस साइजेस देने की प्लान है, क्योंकि बिल्डर का मानना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट यू नो लग्जरी प्रोजेक्ट, अगर आपके अपार्टमेंट्स में स्पेशियसनेस ही नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी कैसे हो सकता है। आपके जो रूम साइजेस है वो छोटे है, और बाहर आपकी बहुत अच्छी एमिनिटीज है, तो दैट इज़ नॉट अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी, यू हैव टू हैव स्पेशियसनेस इन योर अपार्टमेंट। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आपको स्पेशियस बेडरूम्स मिलते हैं, स्पेशियस आपको अपार्टमेंट्स मिलते हैं, और अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज के साथ आपको क्लब हाउस मिलता है, और अंदर की जो और दूसरी एमिनिटीज आपको मिलती है। बात करें टार्क ग्रुप की, तो काफ़ी पुराना नाम है, एक लिस्टेड कंपनी है, अनंत राज से अलग होने के बाद इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं वो सारे के सारे अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट ही इन्होंने लॉन्च किए हैं। अपने आप को एक लग्जरी बिल्डर के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश है टार्क की।
फाइनेंशली बैक्ड कंपनी है, इनको फंड्स मिले हैं दो तीन कंपनी से, जिसमें कि आपका ब्लैकस्टोन भी है, उन्होंने भी इनको फंड किया था। डेट फ्री कंपनी है, बहुत सारा लैंड बैंक होल्ड करते हैं ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में इनके पास बहुत सारा लैंड बैंक है जो कि बहुत ही अच्छे लोकेशन पे हैं। तो डेट फ्री कंपनी है, इनके पास रिच हेरिटेज है और अच्छा लैंड बैंक है, तो जिसकी वजह से जो है इनका नाम काफ़ी अच्छा है और लिस्टेड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं आप इन पे भरोसा कर सकते हैं कि जो भी काम करेंगे तो आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। साइट पे अगर आप जाएंगे तो साइट ऑफिस इन्होंने बना दिया है, उसके अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट का मॉडल बना दिया है, इन्होंने सैंपल अपार्टमेंट बना दिया है। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आप आएंगे और जैसे ही इनका रेरा अप्रूवल आता है तो उसके बाद ये क्लाइंट्स को विजिट कराना स्टार्ट कर देंगे। एक बार आप आएंगे तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से गैलरी को डिज़ाइन किया है। जब आप आएंगे तो आप पहले सैंपल अपार्टमेंट देखेंगे, उसके बाद इन्होंने क्या क्या मटेरियल उसके अंदर यूज़ किया है उसके भी इन्होंने वहाँ पे एग्जीबिशन हॉल बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो जो मटेरियल ये अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करेंगे वो मटेरियल आपको वहाँ देखने में मिलेगा। आजकल हो क्या रहा है, अगर आप गुड़गांव में देखो पिछले 2 ढाई साल के अंदर इवन एलिवेशन तक नहीं लोगों को पता होते, प्रोजेक्ट बिक चुका होता है। लेकिन टार्क का कॉन्सेप्ट ये है कि वट एवर वी आर सेलिंग टू आवर कस्टमर, दे शुड बी अवेयर कि वट आर दे गेटिंग इन देयर प्रोडक्ट। तो हर जो भी चीज़ें वो वहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट के अंदर, उसका एग्जीबिशन आपको जो हॉल एग्जीबिशन हॉल उसके अंदर वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, सो दैट कि यू कैन एंश्योर कि वट काइंड ऑफ क्वालिटी विल बी गेटिंग इन योर एंड प्रोडक्ट। बात करें इनके इसमें आर्किटेक्ट की, तो RSP सिंगापुर वो इसमें आर्किटेक्ट है इस प्रोडक्ट के अंदर। अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है ACC, वो इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ए ग्रेड इसमें आपको आर्किटेक्ट मिलता है, ए ग्रेड आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी मिलती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब आप कोई अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी डेवलप करने जाते हो तो बड़े नाम का साथ होना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा नाम वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने उस तरह की चीज़ें डेवलप की है। तो लोकेशन अपने आप में 63A बहुत ही यूनिक लोकेशन है। उसका रीज़न क्या है कि 63A के जस्ट बाद में आपका अरावली रेंज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके पीछे आपका कोई हाई राइज आएगा नहीं। तो 63A में ये लास्ट हाई राइज है आपका, इसके पीछे अब कोई हाई राइज आ नहीं सकता, तो जिसकी वजह से आपको नेचर का एक अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। आपको पीछे जंगल मिलेगा, आपको पीछे जो गांव है वो बिल्कुल नीचे लगता है, काफ़ी दूर जाके गांव है लेकिन बहुत ही नीचे है, तो आपको जो ग्रीनरी है, आपको जो अरावली व्यू है वो आपको अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा। और इसमें जो G+45 का स्ट्रक्चर बनेगा, तो अभी तक का ये मेरे ख्याल से पूरे गोल्फ कोर्स रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही आप 30-35 फ्लोर से ऊपर जाते हैं तो फिर तो आपको ऑल ओवर गुड़गांव का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट प्लान इनका अभी कंसिड्रेशन में है, बाकी नॉर्मली तो वैसे रहेगा कि विद इन 3 मंथ्स आपको 25% देना, उसके बाद 1-1.5 साल का टाइम मिलता है नेक्स्ट किस्त आने में। लेकिन अनटिल अनलेस इनका प्रॉपर पेमेंट प्लान नहीं आता तो यहाँ पे डिस्कस करना सही नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से इनका टिकट साइज है, जिस तरह से ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, जिस तरह से ये कस्टमर को रीच करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कस्टमर फ्रेंडली पेमेंट प्लान्स मिलेंगे। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो प्राइसिंग आपका कॉम्पिटिटिव रहेगा, जो आसपास में दूसरे डेवलपर्स के प्राइसेज हैं कहीं ना कहीं उससे इसको कंपेयर आप कर सकते हैं। अच्छा नाम है, अच्छी लोकेशन है, और सराउंडिंग की बात करूं तो क्योंकि अनंतराज की टाउनशिप के अंदर ही है तो अनंतराज के भी लास्ट प्लॉट्स आपको मिलते हैं, विच इज़ अगेन लो राइज कंस्ट्रक्शन। फिर आपके साथ में बिरला और अदानी की टाउनशिप मिलती है, विच इज़ अगेन लो राइज टाउनशिप। DLF द आर्बर आपके इस प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च इन गुड़गांव, तो वो भी आपके बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर के विसिनिटी में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपकी सराउंडिंग है वो बहुत ही प्रीमियम है इस लोकेशन से, और ये खुद में एक बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी डेवलप होगी। तो उन लोगों के लिए जैसे, क्योंकि DLF में होता क्या है कि DLF ऑब्वियसली बहुत अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी बनाता है, लेकिन DLF पिछले कुछ टाइम से सिर्फ और सिर्फ 4 BHK ही अपार्टमेंट्स बना रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी की रिक्वायरमेंट 4 BHK की हो, कुछ लोग ऐसे भी है कि दे वॉन्ट टू हैव स्पेशियस अपार्टमेंट साइज बट दे वॉन्ट टू गो फॉर 3 BHK ऑन दी। तो उन लोगों के लिए इसमें 3,000 स्क्वायर फीट का जो साइज है वो बहुत ही ज़बरदस्त फिट बैठता है, और जिनको 4 BHK चाहिए अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज में उनके लिए 4,000 स्क्वायर फीट का साइज बनता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि गैलरी तैयार हो चुकी है, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अप्रूवल्स। एक बार
अप्रूवल्स आ जाते हैं, तो उसके बाद ऑफिशियली यू विल बी इनवाइटेड यू नो टू विजिट द गैलरी। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे विच आर मेंशन ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन, उस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। जैसे ही गैलरी ओपन होती है तो आपको स्टार्टिंग में ही हम दिखा देंगे, सो दैट के इफ़ यू लाइक द प्रॉपर्टी तो इट इज़ बेटर टू यू नो बुक द प्रॉपर्टी इन टाइम, सो दैट के यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट्स, जो भी इनॉग्रल डिस्काउंट्स रहेंगे प्री लॉन्च ऑफर्स में, और साथ ही साथ आपकी जो इन्वेंट्री है आपको एक अच्छा फ्लोर मिले। तो उसके लिए आप हमारे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टार्क्स अपकमिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन सेक्टर 63A। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।